अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक फिर बहुत जबरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ और आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं आज अपने डाइनिंग में जो है वो आईकिया के कर्टन जो है वो इंस्टॉल करने जा रही हूँ, और आईकिया के वो कर्टन जो बहुत स्टाइलिश और बड़े जो है वो डिफरेंट होते हैं, और इसको इंस्टॉल करना इट्स वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ये आम कर्टन्स की तरह नहीं होते। तो मैंने सोचा कि मैं अगर इंस्टॉल कर रही हूँ और मैं उनको सेट कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी जो है वो साथ साथ बताती जाऊँ, ताकि आप में से अगर कोई आईकिया के कर्टन लगाना चाहे तो वो इजीली खुद भी घर में लगा सकता है। तो सबसे पहले तो जो कर्टन में एक्सेसरीज और चीज़ें इसकी आती हैं सारी एक्सेसरीज, पहले मैं वो आपको वो बता दूँ ताकि आप जो है वो देख लें और समझ लें, फिर उसके बाद जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसके लिए बहुत इजी करके बता दूंगी। तो पहले मैं आपको एक लुक दिखा दूं, फिर मैं आपके साथ साथ इसकी इंस्टॉलेशन बताऊंगी। तो चलते हैं फिर अपनी बाकी वीडियो की तरफ। मैं जिन कर्टन्स की बात कर रही हूँ उनका लुक ये होता है, और जो मैं लगाने जा रही हूँ वो आप इंशाल्लाह आगे वीडियो में चलकर उसका एक फाइनल लुक देखेंगे। तो अब जो है मैं आईकिया के कर्टन जो है वो सेट करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद जो इसकी इंस्टॉलेशन होगी वॉल के ऊपर वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो हमारा नेम याद रखिएगा, ब्रांड नेम है आईकिया, एंड जो कर्टन के कोड नेम है वो है विडगा। तो विडगा कर्टन्स बहुत प्यारे, बड़े ही डिसेंट और बड़े ही एक यूनिक स्टाइल के कर्टन्स हैं, एंड आई एम श्योर कि आप भी ज़रूर इस तरह के कर्टन्स जो है वो अपने घर में जो है वो इंस्टॉल करेंगे, और मेरी वीडियो उसकी इंस्टॉलेशन को और भी ईजी बना देगी। ये जो है ये वॉल पे इंस्टॉल करने वाली रेलिंग है जो हमने वॉल पे लगानी है। इसके साथ ये जो है कर्टन्स इसके अंदर फिट होंगे, और देखने में ये बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बट इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल, आप खुद भी कर सकते हैं। और ये एंगल्स हैं जिसमें हमारी ये वाली फिटिंग जो है, ये वॉल वाली जो फिटिंग है ये इसमें एंगल्स में जो है ये फिट होगी वॉल के ऊपर। अच्छा, मेरी टू कर्टन्स जो हैं वो मैंने वाइट इंस्टॉल करने हैं और एक मैंने पिंक शेड देना है। तो आप जो भी पर्दे जो हैं वो सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं अपने रूम के कलर स्कीम के हिसाब से। तो मैं पहले आपको ये वाइट का दिखा दूंगी। अच्छा, इसके ऊपर जो ये पेपर था ये मैंने अलग कर लिया है, काट दिया है, और ये जो है अब यहाँ से यहाँ टेप लगी हुई है तो मैं टेप जो है वो केयरफुली मैं कट करूँगी, टेप हट गई। और ये आपका जो है कर्टन, ये इस कर्टन का लुक है। तो अब क्या करेंगे कि जो मेजरमेंट हमने वॉल की ली है, अब इस कर्टन को भी हम, चूँकि टेबल छोटी है तो मैं इसको नीचे जो है वो कारपेट पे लेकर जा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने लेनी है वॉल की जो है मेजरमेंट, यानी अपनी कर्टन की मेजरमेंट कि हमने कहाँ से जो है वो कर्टन अपना इंस्टॉल करना है। यहाँ से लेकर नीचे तक मेरा कर्टन का जो है वो एंड यहाँ पर आए, तो ये मेरा 2 मीटर एंड 10 सेंटी बन रहा है। इसके बाद जो है वो मैंने अपना कर्टन जो है वो पहले रेडी करना है, बाद में यहाँ पे जो है वो इंस्टॉलेशन। आप चाहें तो पहले भी वॉल की जो रेलिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, मुझे चूंकि आइडिया है तो पहले मैं अपने कर्टन रेडी करके रख रही हूँ। तो ये कर्टन जो है वो मैंने कारपेट पर खोल लिया है। आप 2 सेंटी ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके किनारे जो हैं वो मोड़ने पड़ेंगे, इसको टर्न करना पड़ेगा एजेस को। तो ये 2 मीटर एंड 10 सेंटी जो है वो मैंने ले लिया। इसकी टोटल लेंथ जो है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो मुझे ये 10 सेंटी पर ही मोड़ना है, क्योंकि मुझे अपना कर्टन जो है वो 2 मीटर एंड 8 सेंटी पर रखना है। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है मुड़ेगा, 7 से 7 to 8 सेंटी मैं अपने विंडो के हिसाब से रखूँगी। तो मैंने इसको 2-3 सेंटी ज़्यादा लिया है क्योंकि इसके अभी जो है एजेस जो है वो टर्न होंगे। फर्स्ट स्टेप इस कर्टन का ये है, प्रेस कर लें, और ये इस तरह का फैब्रिक है कि ये बड़े आराम से जो है प्रेस हो जाता है आपके हाथ से ही। कट करते वक्त बहुत केयर करनी है आपको कि ये टेढ़ा कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिलाई नहीं होगी इसकी। सिलाई हो जाए तो हम थोड़ी सी जो कटिंग गलत सलत हुई हुई होती है तो हम उसको सही कर लेते हैं। ये चूँकि फिटिंग होगी तो इसलिए इसकी कटिंग जो है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि आप जब कर्टन फिट करें तो वो टेढ़ा ना हो हैंग करने के बाद। तो ये बिल्कुल आपने इसकी कटिंग बिल्कुल स्ट्रेट करनी है, और इसकी बड़ी इजीली स्ट्रेट कटिंग हो जाती है। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो गई, ये पीस जो है वो मेरा हो गया अलग। ये स्पेयर है, इसको आप कुशन बना सकते हैं या फिर आप इसके इसका रनर बना सकते हैं, टेबल रनर, तो कोई भी चीज़ आप किसी भी काम में इसको ला सकते हैं। तो ये मैं अलग कर रही हूँ। अब ये मेरा कर्टन की कटिंग हो गई है।
अच्छा अब जो है ये कर्टन की फिटिंग है जो इस कर्टन में फिट होगी। आईके की चीज़ें बहुत फ्रेंडली होती हैं, बहुत ईजी चीज़ें हैं, ये आप ओपन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा इसमें जो है इस पैक में एक कर्टन की फिटिंग आएगी, जैसे ये है दो, ये आपके यहाँ नीचे जो है फिट होगा, और ये जो है ये दूसरे एज पर आपका जो है ये फिट होगा। ठीक है, इसको हम अलग कर लेते हैं। फिर इसमें से एक ये है, ये आपकी एडहेसिव स्ट्रिप है, इस एडहेसिव स्ट्रिप को आपने आराम से जो है ये इसका कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ से हमने अलग करना है, बहुत इजीली ये अलग हो जाएगा। ये एक एडहेसिव स्ट्रिप जो है वो नीचे लगेगी, और एक जो है ये कर्टन के जो फिटिंग है इसके साथ लगेगी। इसके अलावा इसमें ये इंस्ट्रक्शन पेपर है, इसको मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये बॉक्स में से जो चीज़ें निकल रही हैं ये हैं, ये बॉक्स में से सब चीज़ें निकली हैं। तो ये सबसे पहले तो ये आपका जो है स्क्रू ड्राइवर आप इसको कह लें, ये बॉक्स में से सब चीज़ें निकली हैं। तो ये सबसे पहले तो ये आपका जो है स्क्रू ड्राइवर आप इसको कह लें, स्पेशली हर इनके आइटम के साथ होता है, आप जो भी आइटम आईकेआ से खरीदेंगे तो उस साइज़ का, तो हमें ये साइज़ चाहिए तो साथ में ये इंक्लूडेड है ताकि हमें ढूंढना ना पड़े और मुश्किल ना हो। इसके अलावा उन्होंने दो एंगल्स दिए हुए हैं, ये वाले सिंपल वाले, ये दो एंगल्स हो गए, ये वाले हो गए। इसके अलावा एक एंगल ये वाला है जिससे हमने शक्लन पहचान लेना है, जी ये एक एंगल है, और ये दूसरा एंगल एक है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, ये इसलिए कि देखें इसका जो है ये जो है राउंड सा निकला हुआ है, सर्कल सा, सेमी सर्कल, ये भी निकला हुआ है, ये एक हो गया। इस तरह से आपने चीज़ें अलग करनी है। ये टू है इसकी रेलिंग्स, ये रेलिंग है इस कर्टन की, ये टू रेलिंग्स यहाँ पर आ गई, ये भी टू है इसके एंगल्स, तो ये यहाँ पर आ गए टू, और ये जो है आपका एक ये स्क्रू ड्राइवर आप इसको कह लें छोटा सा। तो ये आपकी चीज़ें हो गई कंप्लीट। ठीक है, आपने सबसे पहले ये चीज़ें अलग कर लेनी है, तो इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। इस स्टेप के बाद मैं जा रही हूँ अब ये स्ट्रिप और ये जो फिटिंग है इसको फिट करने। ये साइड भी आपने एडहेसिव स्ट्रिप की हटा देनी है ऊपर से पेपर, और ये जो एडहेसिव वाली जगह है ये जो चिपक रही है इसको हमने रखना है नीचे की तरफ, और बिल्कुल इसको हमने यहाँ से एजेस के साथ मिला लेना है। चिपक गया यहाँ से, इसको हमने इसी तरह एक टर्न देना है, फिर दूसरा टर्न देना है, थोड़ा सा हाथ से आप प्रेस कर लें, ये फिटिंग इसके अंदर फिट हो जाएगी। और वही साइड जो कर्व वाली साइड है ये वाली, इसमें हम जो है वो कर्टन डालेंगे। बिल्कुल इजीली हमने जो है इसके अंदर ये कर, तो ये मैंने यहाँ से टाइट कर लिया है, और ये बहुत टाइट नहीं करना वरना ये जो है गैप आ जाएगा और ये सही से फिटिंग नहीं बैठेगी, आपको बस हल्का सा ये टाइट करना है, और ये आपका कर्टन का जो डाउन साइड है वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं कर्टन की दूसरी साइड की तरफ। अब हम इसको ये एडहेसिव जो है वो नीचे की तरफ रखेंगे। फिटिंग के ये वाले एजेस हैं, ये आपको जो डिस्क्रिप्शन पेपर है उसमें भी मिल जाएगा। एक आपका जो है ये वाला जो एज है ये वाला, ये आपके आमने सामने आने चाहिए, और ये जो है इसके अंदर ये रेलिंग इसके अंदर फिट होगी इस तरह से, ये आपने इसको इस तरह से फिट कर लेनी है। अब ये एक कर्टन जो है, ये जो डाउन एरिया है मैंने अभी आपको दिखाया है कर्वी, अब जो कर्टन है ये इस कर्वी एरिया की तरफ आएगा, तो मैं अब इसको इसमें डालती हूँ। दूसरी साइड की ये एडहेसिव स्ट्रिप, ये आपकी फिटिंग, और ये इसके सारे फिटिंग एक्सेसरीज जो है सारी वो आ जाएंगी यहाँ से, ये फिटिंग जो है ये इसी भी अंदर चली जाएगी। इसको थोड़ा सा हम ये करेंगे यहाँ पे आगे कर लेंगे। अगर आप इतने टैलेंटेड हैं तो अकेले भी ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, घर में किसी बच्चे की या किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा जो है वो ये इस तरह से आएगा,
ये देखिए ये फिटिंग बैठ गई, इसको हम आगे पीछे बाद में भी कर सकते हैं, ये हो गया। और इसी तरह हमने इस स्क्रू को जो है वो टाइट करना है, हो गया टाइट, बिल्कुल टाइट हो गया। ये क्लिप है और क्लिप को आप किसी भी एंगल से जो है वो फिट कर दें। ये फिट होने के बाद मूव करेगा जहाँ भी आप इसको मोड़ना चाहें। अब ये कर्टन दोनों साइड से कंप्लीट हो गया है, एक ये साइड है, ये अपर साइड है जहाँ पे ये वाले एंगल्स लगेंगे। अच्छा, बाकी तो मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए, अब ये लास्ट स्टेप है इंस्टॉलेशन वॉल पे जो होगी, तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती चलूँ कि ये जो है इसके पे कॉशन दी हुई है कि इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो एज पर कॉशन जो है वो कर्टन वाला जो आएगा बंदा तो वो इसको इंस्टॉल कर देगा। इसके अंदर जो है वो कर्टन जो है इसमें हैंग होंगे, और इसके साथ जो है ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में जो है वो एक्सेसरीज हैं। मैं अभी खोल नहीं रही कि कोई मिसिंग ना हो जाए। वॉल की जो रेलिंग है वो फाइनली जो है वो लग रही है, और अब आप देख रहे हैं कि इस पे इंशाल्लाह ये कर्टन्स भी जो है वो लग जाएंगे, लग गए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत बड़े डिफरेंट कर्टन होते हैं। जिसने भी मेरे घर देखे हैं मुझसे ज़रूर पूछा है कि ये आपने कहाँ से लिए हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये डाइनिंग एरिया में, ये कर्टन स्पेशली बहुत खूबसूरत लगते हैं। होपफुली आपको भी अच्छे लगे होंगे और मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।